किसने इस्तीफा दिया, जेडीयू में ऐसे कितने विधायक और हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं सम्राट चौधरी, उस टाइम में मुख्यमंत्री जी को नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो है कि पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे हैं। लालू यादव ने कह दिया है, आशीर्वाद दे दिया है पूर्णिया के लिए, ईमानदारी से बताइएगा। मेरा बच्चा और मेरा पति क्या दूसरा परिवार है क्या? क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर के रखने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी किस तरह से टूटे उसका वो सब लोग प्लानिंग किए हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि पगड़ी क्यों नहीं खुल रहा है, लोकसभा के बाद पगड़ी खुलेगा। पूर्णिया में बहन कुर्बानी देगी या बड़ा भाई कुर्बानी देगा, आप क्या चाहते हैं? आरोप था कि बेटे को जेल में डाल दिया, पति को जेल में डाल दिया, खूब रोई, सरकार में विधायक थी बीमा भारती, किसी ने नहीं सुना। लालू यादव से आशीर्वाद लिया और उसी दिन ये तय हो गया था कि बीमा भारती किसी भी वक्त किसी भी दिन नीतीश कुमार को झटका देंगी, और वो कल का दिन था जब देर शाम ये खबर आई कि बीमा भारती ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आशीर्वाद ले लिया है लालू यादव का, राबड़ी देवी का, तेजस्वी यादव का। बीमा भारती जी खूब रोई थी आप, हम सब ने देखा था, किसी ने नहीं सुना। बिल्कुल रोए थे, पूरा रोए, गिरगिराए, सब कुछ किए, सरकार में रहते हुए इस तरह का प्रताड़ित किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। सभी लोग जितने भी हमारे पार्टी के थे कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब हम रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, मेरा बात ही नहीं सुन रहा था कि यहाँ ये क्या कहना चाह रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि विधायक पर विश्वास जताना चाहिए कि जितना इतना दिन से हमारे पार्टी में है, पार्टी का काम कर रही है, तो हमारे विधायक कहाँ जाएंगे। जब हम फोन से लगातार बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रहा था, बात भी हो रहा था कि हम आ रहे हैं, मेरा पति का तबीयत खराब है, हम आएंगे मीटिंग में, लेकिन नहीं आ पाएंगे, सदन में हम रहेंगे। तब भी इस तरह का प्रताड़ित किया गया मेरे साथ में, तो यह सरकार में रह करके मेरे साथ इस तरह का किया गया, मेरे बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया, मेरे पति को अंदर किया गया, मेरे बच्चे को अंदर किया गया, मेरा कार्यकर्ता को अंदर किया गया, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अंदर किया गया कुछ तो कारण होगा, कहा जा रहा था कि भाई अवैध हथियार लेके ये लोग आ रहे थे, जो आरोप लगाया गया है आर्म्स एक्ट लगाया गया है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये आरोप क्या गलत लगाया गया? क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम किया है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ना किसी को हम बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, इसीलिए जो है ना अच्छे काम में हम जब सरकार में शामिल होने के लिए खुशी खुशी बाल बच्चा के लेकर के आ रहे थे, इसीलिए हमको फंसाया गया जानबूझ के। मेरे नाम से राइफल नाम से लाइसेंस है, एक बेटी के नाम से है, तो क्या महिला होकर के हम राइफल ले कर चलेंगे क्या? कि उसमें जो है कि जो जिसका नाम हम दिए थे नॉमिनी में जो देता है वो भी साथ में था, वो लेकर के आ रहा था, मेरा बच्चा और मेरा पति क्या दूसरा परिवार है क्या? पति नहीं रख सकते हैं जब साथ ही आ रहे हैं, एक ही गाड़ी में सबको बैठेंगे? हम लोग तीन गाड़ी से आ रहे थे, सभी लोग अलग अलग बैठे हुए थे, सब एक साथ आ रहे थे, तब कौन सा अपराधी है, कौन सा अपराध कर दिया जो आर्म सेट लगाया? लाइसेंसी है मेरा, अवैध तो नहीं था। अच्छा, कौन लोग शामिल थे, सरकार की तरफ से कौन दबाव बना रहे थे? अब तो आप आ गई हैं आरजेडी में, खुलकर नाम बताइए ना, क्या नीतीश कुमार डायरेक्ट आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या उनके दाएं बाएं कौन थे जो आपसे बातचीत कर रहे थे? क्या बताने से क्या फायदा है, उस पर थोड़े कुछ हो जाएगा, इतना चिल्ला चिल्ला करके तो हम बोले, कई बार बयान दिए, कितने मंत्री के खिलाफ में बोले, कितना हत्या कितना मर्डर करवाई है, तब भी बोले, कौन सी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बताने से क्या फायदा। अच्छा, ऐसा कहा क्यों है कि भाई लेसी सिंह जिनके बारे में आप इशारा कर रही हैं उनका हमेशा सुना जाता है, आपका नहीं सुना जाता है? इसलिए हम दबे कुचले हैं, अति पिछड़ा साते हैं, इसलिए हमको दबाया जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठते हैं, जो अगल बगल रहते हैं, जो सलाहकार है, वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे और उनका बात सुने। यही तो बीमा भारती जी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कौन गलत सलाह दे रहा है। बिल्कुल, जो गलत सलाह देने वाले हैं सभी मीडिया के लोग जानते हैं, सभी भली भांति सभी नाम बताइए ना कौन है। देखिए अगल बगल तो संजय झा बैठते हैं, अशोक चौधरी बैठते हैं, विजय चौधरी बैठते हैं, ललन सिंह बैठते हैं, और कौन बैठता है? जो भी बैठे आप लोग सभी जानते ही हैं, हम बताने का जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर के रखने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी
किस तरह से टूटे उसका वो सब लोग प्लानिंग किए हुए हैं। जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू का खत्म कर देना है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठा देना है। जेडीयू खत्म करके क्या करना है? खत्म करके अपना वो करेंगे, जो मनसा है उस सब लोग का यही है बीजेपी। बिल्कुल, अभी अभी जानिए ना कि जो बीजेपी में जो शामिल हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से महागठबंधन में सरकार चल रही थी, बढ़िया से चल रही थी, ऐसा कुछ भी तेजस्वी जी के तरफ से नहीं कहा गया, कुछ भी ऐसा नहीं बात हुई है, तब भी जो है कि गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तो जो कसम खाए हैं सम्राट चौधरी ने कि हम मुख्यमंत्री बिहार का जो है नीतीश कुमार को उतारने के बाद ही पगड़ी हम उतारेंगे, तो अभी जो है मिल करके जो सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं सम्राट चौधरी, उस टाइम में मुख्यमंत्री जी को नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो है कि पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या अभी मन में है? तो सब लोग जानते हैं कि पगड़ी क्यों नहीं खुल रहा है, मतलब नीतीश कुमार को हटा देंगे, लोकसभा के बाद पगड़ी खुलेगा। मतलब आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी कर लिया है बीजेपी के लोग, जेडीयू से हाथ मिलाकर, जेडीयू के कुछ नेताओं से हाथ मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल मिला करके जो है कि खत्म करने का सब लोग तय किए हैं, सब लोग मन बनाए हुए हैं, इसलिए तो पगड़ी नहीं खोल रहे हैं ना। अच्छा, आपने इस्तीफा दिया, जेडीयू में ऐसे कितने विधायक और हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि नाराजगी की खबर कई लोगों की है, कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से कि अभी तो एक विकेट गिरा हुआ, देखिए कितना विकेट गिरेगा। बहुत ऐसा विधायक है कि जो कि नाराज चल रहे हैं, बहुत लोग जो है कि आएंगे और आपको सुनने के लिए मिलेगा ही। मतलब कितने फिर भी एक अंदर? बहुत दर्जनों विधायक जो कि नाराज चल रहे हैं। गोपाल मंडल को भी टिकट नहीं मिला है, उसको भी तो आश्वासन दे करके रखा था, तो कहाँ मिला, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पार्टी निर्णय करेगा। नहीं, वो तो हो गया, नहीं मिला है, जो भी हो उसका है, लेकिन बहुत लोग जो है कि विधायक नाराज हैं। अच्छा, बीमा भारती जी अब आते हैं, लालू यादव ने कह दिया है, आशीर्वाद दे दिया है पूर्णिया के लिए, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल, गार्जियन है तो एक बेटी को तो आशीर्वाद देंगे ही बाप ने, कोई भी पिता जो है अपना बेटी को जो है ना शुभ शुभ आशीर्वाद देता है कि कोई भी कार्य में भेजता है तो, और इसलिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे लालू प्रसाद जी हमारे पिता हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। वो तो जवान के पक्के भी हैं। बिल्कुल पक्के हैं, और हमारे जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी जी जो हमारे भाई है, उनसे भी बात हुई बहुत अच्छा से, हम लोग दोनों भाई बहन। तेजस्वी ने भी कह दिया है कि जाइए पूर्णिया तैयारी कीजिए। बिल्कुल, हमारे नेता का निर्देश और आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और टिकट मिलेगा तब कोशिश ना करेंगे। नहीं तो जब निर्देश दे ही दिया है, आदेश दे ही दिया है, तैयारी कीजिए, तो सिंबल तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, तो आपको खबर करेंगे आप मीडिया। अच्छा, नहीं नहीं सही बात है। अब चलिए अब आते हैं, एक ट्विस्ट अभी पूर्णिया में है, पूर्णिया में एक ट्विस्ट है पप्पू यादव। आप कहती हैं कि पप्पू यादव हमारे बड़े भाई हैं, तो पूर्णिया में बहन कुर्बानी देगी या बड़ा भाई कुर्बानी देगा, आप क्या चाहती हैं? देखिए, उनका बड़े हैं और उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और अभी जो है उन पार्टी को विलय किए हैं कांग्रेस में, तो महागठबंधन का जो निर्णय होगा वही क्या कि सपोर्ट तो चाहिए, अगर आप खड़े होंगे तब भी पप्पू जी का सपोर्ट चाहिए, पप्पू जी खड़े होंगे तब आपका सपोर्ट पप्पू जी को चाहिए, क्योंकि लड़ जाइएगा तब तो हार जाइएगा, ये तो तय है। तो ऐसे में वही मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहती हैं, बहन कुर्बानी दे सकती है उनके लिए, या बड़ा भाई से आप चाहती हैं कि नहीं पप्पू भैया कोई और सीट ले ले और हमको पूर्णिया में जितवा दे? देखिए, वो पार्टी निर्णय करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं वो। इच्छा तो आप व्यक्त कर सकती है ना, पप्पू यादव से तो बोल सकती है ना। नहीं, हम तो वो सामान्य हैं और बड़े हैं, मैं सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं और आदर के साथ सब दिन माने हैं, इसलिए वो पार्टी निर्णय करेंगे कहाँ किस को लड़ाएंगे। लेकिन पप्पू जी का ट्वीट आया है एक्स पे, उन्होंने पोस्ट किया है कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, एक लाइन में आपके ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है, तो मतलब अरे हुए हैं पूर्णिया के लिए, और कई दिनों से वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है महागठबंधन के अंदर। अब महागठबंधन का जो नेता है वरिष्ठ है जो, उन्होंने निर्णय करेगा किसको कहाँ लड़ाएंगे, किसको क्या करेंगे, उन पर हम छोड़ते हैं। अच्छा, आप आग्रह करेंगे कि पप्पू यादव मधेपुरा या कहीं और सीट ले से चुनाव लड़ ले? वो पार्टी ही करेंगे, हम मेरा अधिकार नहीं है। पार्टी तो अलग अलग है ना, वो कांग्रेस में है, आप आरजेडी में लड़ाएंगे, वो पार्टी का निर्णय होगा किसको कहाँ लड़ाएंगे, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन आग्रह तो आप कर सकती है ना? हमारा तो कर, तो हमारे बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते, सब कुछ है।
जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम लोग मान करेंगे। अच्छा, पूर्णिया अगर आप लड़ती हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को कितने वोट से हराने की आप कैपेसिटी रखती हैं, क्या एक होगा ना? पूर्णिया में जनता ने बात की होगी आपसे। बिल्कुल, लाखों वोट से हराएंगे और मजबूती के साथ हमको आशीर्वाद मिलेगा तो पूर्णिया का जनता तैयार है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता सभी तैयार हैं और मुकाबला करने के लिए। अच्छा, अब आखिरी के एक दो सवाल, बीच में हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, क्या वाकई सही में ऐसा आप लोग दावा कर रही हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, हर बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार कोई ना कोई ऐसा संजीवनी लेके आते हैं, फिर मुख्यमंत्री वही बने रहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी वाकई टूटने जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से अभी बन रहा, जिस तरह से बीजेपी के लोग घेर रहे हैं, जिस तरह का रवैया हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को ध्वस्त करेंगे ही। चलिए, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार के जो अगल बगल दाएं बाएं हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं, अंदर खाने उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, ये कहना है बीमा भारती का, जिन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है और ये दावा भी किया है। अभी इंतजार कीजिए, दर्जनों भर विधायक लाइन में लगे हुए हैं पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करने के लिए।